हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शास्विक डायरीज। और मैं हूँ शालू। तो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के सामने और आज मैं लाई हूँ बच्चों के एक बहुत ही हेल्दी डिश लेकर। और आज मैं पूरा रेसिपी उसका शेयर करूंगी। तो टाइटल से तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम बनाएंगे साबूदाने की खीर। और साबूदाने की खीर बच्चों के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है, जो कि बढ़ते बच्चों के लिए काफ़ी फायदेमंद है। एक साल के अराउंड जब बच्चा वेट गेन थोड़ा सा कम स्लो हो जाता है बच्चों का, तो उस टाइम पे आप ये बच्चों को इंट्रोड्यूस करा सकते हो इस फूड को। और ये रेसिपी वेट गेन में काफ़ी हेल्पफुल है और भी इसके बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को साबूदाने की फायदे की बात बताती हूँ कि साबूदाने से बच्चों को क्या क्या फायदा हो सकता है इसे खिलाने से। साबूदाना एक ऐसा डिश है जिसमें मतलब फुल ऑफ एनर्जी है। फुल ऑफ एनर्जी इन द सेंस कि जब आप बच्चे को खिलाते हो तो काफी एनर्जेटिक फूड है। बहुत सारे ऐसे फूड आते हैं जो कि इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें से साबूदाना भी एक फूड है बच्चों के लिए। और इसमें प्लस कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा काफ़ी ज़्यादा देखने को, जो कि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जब बच्चे बढ़ते हैं ना तो उनको एक प्रॉपर बैलेंस डाइट देना होता है। बैलेंस डाइट देने का मतलब उन्हें हर तरीके से आपको विटामिन एंड मिनरल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, एवरीथिंग, जो भी न्यूट्रिशंस होते हैं उन्हें प्रोवाइड करना चाहिए ताकि उनका अच्छे तरीके से ग्रोथ हो सके। तो साबूदाना में काफ़ी अमाउंट में आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाते हैं। उसके बाद इसमें प्रोटीन भी है, इसमें कैल्शियम भी है। बहुत ज़्यादा प्रोटीन और कैल्शियम नहीं होता है इसमें। सबसे अच्छी जो बात होती है साबूदाने की वो है कि काफ़ी ठंडक पहुंचाता है। जैसे कि बच्चों को मतलब गर्मियों के सीजन में आप इसे आराम से दे सकते हो। गर्मियों का सीजन होता है तो बच्चों को बहुत ज्यादा पेट में जलन होने लगती है, तो ये फूड उस टाइम काफी हेल्प करता है बच्चों। साबूदाना एक ऐसी रेसिपी है जिसे आप कई तरीके से आप बना सकते हो। तो यहाँ पर मैं मीठी रेसिपी बना रही हूँ साबूदाने की, जिसमें आपको दूध से मैं बनाऊंगी, दूध के थ्रू। तो दूध में भी आपको कैल्शियम रहता है, तो बच्चों को एक होलसम डाइट हो जाता है। अच्छी बात यह होती है कि साबूदाना खाने से बच्चों के जो मसल्स ग्रोथ होते हैं वो काफी अच्छे तरीके से होते हैं, और उसके बाद बोन्स को भी स्ट्रॉन्ग बनाने में साबूदाना हेल्प करता है। तो जब बच्चे एक साल के हो जाते हैं तो उस टाइम पर उन्हें कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, गैस की प्रॉब्लम होती है, ब्लोटिंग हो जाता है, काफ़ी सारे चीज़ें होती हैं, तो वो सब में साबूदाना काफ़ी हेल्प करता है। और बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाता है ये फूड, बहुत हल्का होता है। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये वेट गेन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो ये तो थी साबूदाने के फायदे की बात कि किस किस कैसे कैसे फायदे पहुँचाते हैं साबूदाने बच्चों को। तो आप नेट पे भी सर्च कर सकते हो, आपको बहुत सारे फायदे इसके नेट पे भी मिल जाएंगे। और अब हम अपने वीडियो के तरफ आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो अब हम बात करेंगे कि बच्चों को साबूदाना हम कब से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जब बच्चा 8 महीने का हो जाता है तब से हम उन्हें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं साबूदाना। बट उस टाइम हमें ध्यान रखना है कि जब हम उन्हें इंट्रोड्यूस करते हैं तो एट अ टाइम हमें एटलीस्ट 3 डेज तक एक ही खाना उन्हें देना है, ताकि हमें देखना है कि बच्चे उसे पसंद कर रहे हैं या नहीं, या बच्चों को इजिली डाइजेस्ट हो पा रहा है, किसी तरीके से उन्हें उससे एलर्जी तो नहीं है उस फूड से। तो ये हमें ध्यान में रखकर उन्हें ये सब फूड, कोई भी फूड उन्हें इंट्रोड्यूस करना है 8 महीने के बाद। और ये आप जब स्टार्ट करते हो ना तो आप उसको 2 से 3 स्पून से ज़्यादा आपको नहीं देना है स्टार्टिंग में। उसके बाद जब बच्चा 1 साल का हो जाता है तब तक वो काफ़ी फेमिलियर हो जाता है फूड से। तो अगर आपको लगता है कि हाँ ये फूड उसके लिए काफ़ी अच्छा हो रहा है या फिर उसे कोई भी इन्फेक्शन या एलर्जी नहीं हो रही है इस फूड से, तो आप उसको आप उसके जो भी डेली का डाइट है उसमें आप उसको शामिल कर सकते हैं। जब बच्चा 1 साल से ऊपर हो जाता है तो वो प्रॉपर मील्स लेना स्टार्ट कर देता है, मतलब जस्ट उनका इंट्रोडक्शन होता है प्रॉपर मील्स और दूध को कम करने के प्रोसेस का। तो उस टाइम पर आप एज अ ब्रेकफास्ट, एज अ होलसम मील उन्हें स्टार्ट कर सकते हो देना। मेरा जो बेटा है वो है 20 मंथ्स का, तो 18 मंथ्स के बाद मैं उसे साबूदाना, उसे पसंद है तो मैं कोशिश करती हूँ वीक में 2 से 3 बार उसे साबूदाने की खीर जरूर बना कर खिलाऊं, क्योंकि उसे पसंद भी है, काफी हेल्दी है, काफी रिच है ये फूड। तो मैं उसे 2 से 3 बार डेफिनेटली उसे दे देती हूँ। और हाँ, ये जो रेसिपी है या फिर आप बोल सकते हो साबूदाने की जितनी भी रेसिपीज होती है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए भी काफी फायदेमंद होती है, क्योंकि ये फेटस को ग्रो करने में, प्रॉपरली ग्रो करने में भी हेल्प करती है। तो फ्रेंड्स, हमने बात कर ली साबूदाने के फायदे के बारे में, बच्चों को कब से दे सकते हैं, और इसके बाद हमने ये भी बता दिया कि हम कितनी बार दे सकते हैं। तो अभी चलिए हम लोग
फर्स्ट ऑफ ऑल रेसिपी देख लेते हैं कि मैं किस तरीके से अद्विक के लिए बनाती हूँ साबुदाने की खीर। काफी सिंपल रेसिपी है, बहुत इजीली बन जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रेसिपी देखते हैं, फिर मैं आप लोगों से आकर कुछ और बातें भी शेयर करती हूँ। तो साबुदाने की खीर बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने पतीले को गैस पर रख दिया है और इसमें मैंने डाला है पानी। पानी मैंने हाफ कटोरी के करीब मैंने डाल दिया है इसमें। इससे क्या होता है कि आपका जो साबुदाना या दूध है वो जो पतीले से चिपकेगा नहीं। और यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ अमूल ताज़ा का जो टेट्रा पैक वाला दूध आता है वो। और आप कोई भी दूध यूज़ कर सकते हो जो आप अपने बच्चे को देते हो या फिर फैमिली में यूज़ करते हो। तो यहाँ पर मैंने 1 लीटर दूध लिया है और इसमें थोड़ा सा मैं पानी मिला दूंगी। पानी बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी में मैं मिलाऊंगी। तो आप देख सकते हो कि कितना मैंने इसमें थोड़ा सा पानी मिला दिया है। इसके बाद आपको सबसे पहला जो प्रोसेस है वो है इस दूध को अच्छी तरीके से बॉईल करना है एक बार। और यहाँ पर मैंने 1 कटोरी साबुदाना लिया है और इससे 6 to 7 hours एटलीस्ट पानी में आपको सोक करके रखना है ताकि अच्छे तरीके से फूल जाए। और आप ये देख सकते हो यहाँ पे मेरा हैंड क्लीन है बिल्कुल, इसलिए मैंने हैंड का यूज़ किया है। तो सबसे पहले मैंने आपको पहले ही बताया कि अपना दूध को अच्छी तरीके से बॉयल कर लेंगे। तो बॉयल आप 1 से 2 बार जो उबाल आता है उसको आपको कर लेना है और उसके बाद फिर हम अपना साबुदाने को इस दूध में डालेंगे। दूध को बॉयल करना इसलिए भी ज़रूरी है कि दूध फटे नहीं जब भी आप साबुदाना डालते हैं दूध में। तो यहाँ पर हमारा दूध जो है वो बॉयल हो चुका है अच्छे से। तो अब मैं इसमें साबुदाने को डाल दूंगी। एक बार मैंने यहाँ पर चलाकर देख लिया है और अब मैं साबुदाने को डालती हूँ। तो यहाँ पर मैंने साबुदाना डाल दिया है और आप अच्छे से डालिएगा ताकि ये थोड़ा सा आपको स्प्रिंकल ना करे। और इसे हमें अच्छे तरीके से चलाते रहना है। अगर आप नहीं चलाते हो तो दूध के फटने की चांसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। तो आपको अच्छे तरीके से आप इसे चला लीजिए। और साबुदाने की पकने की सबसे बड़ी जो सिंबल होती है कि वो उसका कलर जो है वो टोटली चेंज हो जाएगा, वो ट्रांसपेरेंट कलर में आ जाएगा साबुदाना जो है। तो आप देख सकते हो कि साबुदाने की कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है और ये जो कलर है वो ट्रांसपेरेंट फॉर्म में आ चुका है। तो एक बार मैं इसको मिला ले रही हूँ और आपको मीडियम से लो फ्लेम में ही इसको पकाना है। चेंज होने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी चीनी। और चीनी यहाँ पर मैं 1 कटोरी चीनी मैं डालूंगी और ये मीडियम जो शुगर लेवल का है वो है यहाँ पर मैं डाल रही हूँ। अगर आप मिठास थोड़ी ज़्यादा खाते हो तो आप ज़्यादा भी ले सकते हो, कम खाते हो तो कम भी खा सकते हो। एकदम मीडियम क्वांटिटी में जो शुगर लेवल है वो है, आप मिठास बोल सकते हो। तो यहाँ पर मैं चीनी डाल रही हूँ। हमारा साबुदाना जो है वो अच्छे से पक चुका है। आप देख सकते हो कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है, दूध की क्वांटिटी भी कम हो चुकी है। तो अब चीनी को डालकर भी मैं अच्छे तरीके से इसको चला लूंगी। इसके बाद यहाँ पर मैं डाल रही हूँ इलायची पाउडर, जिसको कि कार्डमम पाउडर भी बोलते हैं। मैं पाउडर फॉर्म में यूज़ करती हूँ इलायची, क्योंकि अद्विक के लिए मैं दे रही हूँ और अभी तक वो ड्राई फ्रूट्स या फिर इलायची वो नहीं खा पाता है, 20 मंथ्स का है वो, दैट्स वाई। और यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं ड्राई फ्रूट्स पाउडर, इसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ पर भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको लिंक प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। तो हमारा जो साबुदाना है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है खाने के लिए। तो मैंने इसे एक बोल में निकाल लिया, स्टील के बोल में। मैं अद्विक को खाना मैक्सिमम खिलाती हूँ तो इसे हम ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के लिए मैं एक बड़े पतीले में पानी का यूज़ कर रही हूँ और उसके ऊपर मैंने साबुदाना को रख दिया है ठंडा करने के लिए। तो अब मैं इसे अद्विक को जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि मैंने किस तरीके से साबुदाने की खीर बनाई। और इसके अलावा आप इसमें अपने अकॉर्डिंग भी कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऐड कर सकते हो, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया। और अगर आप बड़े के लिए दे रहे हो तो ड्राई फ्रूट्स को कट करके पीसेस में आप दे सकते हो, बच्चे के लिए आप अलग से निकाल लीजिए और उसके बाद ड्राई फ्रूट्स उसमें ऐड करके आप बड़ों को भी दे सकते हैं। तो इससे पहले मैंने शेयर की थी आप लोगों के साथ और सेवई की भी रेसिपी, सेवई की खीर की भी रेसिपी, वो भी आप देख सकते हो मेरे चैनल पर। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी प्रोवाइड कर दिया उस वीडियो का। फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। होप आपको अच्छा लगा और आपको कहीं ना कहीं से हेल्प मिला हो। मुझे पता है कि एज अ मदर, एज अ पेरेंट, हम काफ़ी ज़्यादा वरीड रहते हैं बच्चों के लिए कि बच्चों को क्या खिलाएं, कैसे खिलाएं, क्या पिलाएं। तो ये सब चीज़ हमारे मन में हमेशा लगा रहता है। तो मैंने सोचा कि मेरा जो भी एक्सपीरियंस है उसके थ्रू अगर किसी को भी हेल्प मिलता है तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ या फिर कोई मुझे बहुत ज़्यादा मेडिकल साइंस का वैसा कुछ नॉलेज नहीं है, बस आई एम अ मॉम। और मैंने सोचा कि अपना एक्सपीरियंस जो है वो रियल एक्सपीरियंस जो है वो आप लोगों
लोगों के साथ शेयर करूं और मुझे काफी अच्छा लगता है आप लोगों के साथ शेयर करने में। मैं भी प्रेग्नेंट थी या फिर जब मेरा भी बेबी हुआ था तो उस टाइम मैं भी काफी वीडियोस देखती थी और रियल एक्सपीरियंसेस मैं सर्च करती थी कि जो भी रियल एक्सपीरियंसेस हैं लोगों के, वो मुझे जानने में और सुनने में काफी अच्छा लगता था। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे भी वीडियोस बनाने चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूले और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हो और मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि मैं बहुत सारे और भी वीडियोस आप लोगों के लिए लाने वाली हूँ। एंड प्लीज कमेंट बिलो कि आप लोगों को इस वीडियो से हेल्प मिला या नहीं, या फिर आपको कैसा लगा ये मेरा वीडियो। और आप और भी मदरहुड को लेके, पेरेंटिंग को लेके और भी अगर कुछ जानना चाहते हैं मेरे से तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख कर बता सकते हैं कि मैं किस टॉपिक पे और भी वीडियोस बनाऊँ, उससे मुझे भी काफ़ी हेल्प मिलेगा। वैसे तो मैं अपने से भी कोशिश करती हूँ कि जो भी जरूरी टॉपिक्स हैं, इंफॉर्मेशनल वीडियोस हैं, वो मैं बनाऊँ आप लोगों के लिए, बच्चों से रिलेटेड, मदर से रिलेटेड। अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोग भी मुझे सजेस्ट कर सकते हो, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा अगर आप लोगों की सजेशंस मुझे मिलेंगे और मुझे काफ़ी मोटिवेट करेगा वो सब चीज़। तो फिर मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, और फिर से मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ एक नई वीडियो में। बाय गाइस, टेक केयर एंड हैप्पी पेरेंटिंग, हैप्पी मदरहुड, बी हैप्पी।